हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आपको सभी रिएजेंट समझ आ रहे होंगे। अब तो नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, छोटे छोटे से ही हैं, दो रिएजेंट्स मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए। तो वो है हमारे पास MnO2 डैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड Ag2O डैट इज सिल्वर ऑक्साइड रिएजेंट्स। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं सिल्वर ऑक्साइड डैट इज Ag2O, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले सिल्वर ऑक्साइड Ag2O रिएजेंट। सो अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जो Ag2O है, हमारे पास अगर रिएक्शन में अल्कोहल दे रखा है एंड अगर हमारे पास दे रखा है एल्डिहाइड। अब एक चीज और बता दूं, ये दोनों रिएजेंट्स आपके माइंड में आएंगे कौन से हैं, रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज ना थोड़ी सी याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था कि ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस कुछ भी नहीं है, राइट। ओके, सो अल्कोहल अगर आपके पास रिएक्शन में दे रखा है या एल्डिहाइड दे रखा है, अगर Ag2O है हमारे पास, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एल्डिहाइड जो है वो बियर्स रिएजेंट में, एल्डिहाइड क्या है, फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, हमारे पास क्या बना था फाइनल प्रोडक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एसिड बना था। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद, एसिड में, राइट। इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो मैंने ये कुछ कंसीडर किए हैं एग्जांपल्स, इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर ऑक्साइड रिएजेंट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, सिंपल बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये इकट्ठा आपको दे रखा होगा किसी भी रिएक्शन में, अकेला नहीं दे रखा होगा, तो ये दोनों का मिक्सचर ही दे रखा होगा आपको। तो सीधा मैंने अभी क्या बताया कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा ये, और क्या बनाएगा एंड में, एसिड बनाएगा। तो यहां पर क्या कर देना आपने, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, तो बियर्स रिएजेंट में, कि हमारे पास अगर फ्रीली हाइड्रोजन है, तो उसकी जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तो उस हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ये डबल मोड एसी, ये OH, तो ये बेंजल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ये बेंजल्डिहाइड है और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, राइट। अब आपको ऐसे कन्वर्जन भी आ सकती है कि बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये इसको याद कर लो और आप इन दोनों का स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, सिंपल फटाक्शन से लिख सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज, हमारे पास ये दे रखा है बेंजल्डिहाइड है, और सॉरी ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ओके हमारे पास ये रिएजेंट दे रखा है, तो क्या करना हमने, सिंपल यहां पर सिंपल COH मतलब लिख देना, बस कुछ नहीं करना, डबल मोड ओ सी एच थ्री ऐसी रहेगा और ये बन जाएगा COOH, बस ये एसिड में चेंज हो गया, किसी को भी इसने कुछ नहीं चेंज करना। अगर एल्डिहाइड दे रखा है इसको दिख गया कि एल्डिहाइड है किसी भी कंपाउंड में, तो उसको क्या कर देना, फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना देना, एसिड बना देना, बस कुछ नहीं करना। ओके, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, अब यहां पर देखो, ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड है, ये पार्ट हमारे पास एल्डिहाइड है और ये वाला पार्ट क्या है, अल्कोहल है। अब ये याद रखना है कि यहां पे एल्डिहाइड को चेंज करेगा एसिड में, अल्कोहल को कुछ भी नहीं करेगा ये, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने ऐसे ही लिख देना, OH भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको उसने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस पर इफेक्ट पड़ेगा इस पर एल्डिहाइड पे, तो ये बन जाएगा COOH, बस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देनी है, हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। अब हम रिएजेंट डिस्कस करेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड और उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसका जो काम है स्पेशल, वो क्या करता है, ये स्पेशली ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी ऑक्सीडेशन, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक एल्कोहल्स की,
राइट। बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल्स आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता आपको एग्जाम्पल से अभी पता चल जाएगा। ओके सो मैं यहां पे दो तीन कंसीडर करूंगा एग्जाम्पल्स, उसको हम समझते हैं इस रिएजेंट के साथ। ओके सो ये मैंने कंसीडर किए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इसको हम सोल्व करते हैं इस रिएजेंट से। अब देखो यहां पे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन है और इसके साथ ओएच ग्रुप है, तो ये जो अल्कोहल है ना, ये वाला अल्कोहल, ये होगा फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट। दूसरी बात, ये बेंजीन है, इसके साथ एडजेसेंट कार्बन के साथ ओएच ग्रुप है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, राइट। दूसरा यहां पर यह रिंग है, डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन के साथ ओएच है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, राइट। ओके अब आप पूछोगे इसमें भी ओएच ग्रुप है, इसमें भी ओएच ग्रुप है और इसमें भी ओएच ग्रुप है, तो ये चेंज होंगे, नहीं होंगे। इसका रीजन क्या, देखो ये बेंजीन के काफी दूर है और यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड होता तो हम कह सकते हैं ये एलाइलिक होता, बट ये एलाइलिक भी नहीं है, ठीक है, तो ये ओएच, ये जो ओएच ग्रुप है इसको चेंज ही नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें देखें, यहां पे ये हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना इस रिंग में, ओके ये विनाइलिक पोजीशन है, इसके साथ वाली फर्दर क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन के फर्दर ये वाला कार्बन क्या है, होमो एलाइलिक है, तो ये जो हमारे पास OH है ये क्या हमारे पास होमो एलाइलिक अल्कोहल है, ये समझ लग गया। होमो एलाइलिक अल्कोहल कौन सी होती है, सबसे पहले अपने क्या देखना है, विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक पोजीशन है, ये डबल बॉन्ड होती है, विनाइलिक है, इसके साथ ये फर्दर क्या होगा, आगे अलाइलिक होता है, अलाइलिक के फर्दर आगे जो कार्बन होता है उसके साथ जो OH ग्रुप होगा वो होगा होमो अलाइलिक अल्कोहल, तो उसको आपने चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना बस, और कुछ नहीं है, और किसी को भी चेंज नहीं करेगा, तो ये OH ग्रुप एज इट इज ही रहेगा प्रोडक्ट में भी, जैसे रिएक्टेंट में। ओके नाउ इसकी बात करते हैं, विनाइलिक, इसके फर्दर ये अलाइलिक, इसके फर्दर में ये होमोअलाइलिक हो गया, ये भी होमोअलाइलिक हो गया, तो इसको भी नहीं चेंज करेगा, तो आपको पता लग गया। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना और इसको चेंज करना, सिंपल क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड में ही चेंज कर देना, बस यही होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, OMe ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना इसने किसी को भी, सिंपल इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर दिया, ये एज इट इज ही रहेगा, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। इसको भी ऐसे ही करना आपने, OMe एज इट इज रहेगा, इसको यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे H अटैच कर दो सिंपल, राइट, वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की, ये एज इट इज रहेगा ग्रुप ऐसा, OH ऐसे डैश पोजीशन पे H, और ये रिंग ऐसी रहेगी और ये डबल बॉन्ड भी ऐसी रहेगा, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। इसका देखते हैं, इसमें भी ऐसी है सिंपल, ये OH जो है ये वाला, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, राइट, और ये एज इट इज, बस MN का काम है OH को डबल बॉन्ड O में चेंज कर देना, बस सिर्फ वो वाले OH को जो वाला बेंजाइलिक या अलाइलिक होगा, सिर्फ उसी OH को डबल बॉन्ड O में चेंज करेगा, मतलब अल्कोहलिक पार्ट को हमने क्या करना है, कार्बोनिल पार्ट में चेंज कर देना बस, राइट। ओके अब ये ना थोड़ा सा मैंने लिख दिया PCC रिएजेंट, मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो PCC होता है ना, ये क्या करता है, अगर कोई भी कंपाउंड में OH ग्रुप इसको दिख जाए किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो विनाइलिक है, अलाइलिक है, होमोअलाइलिक है, कहीं पे भी है, उसको उसने क्या कर देना, डबल बॉन्ड O में चेंज कर देना PCC ने। तो इस रिएजेंट के लिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, दोनों ही डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये होगा इस रिएक्शन का, इस रिएजेंट के लिए फाइनल प्रोडक्ट। तो ये थे हमारे पास दो रिएजेंट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड। सो अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों रिएजेंट्स का काम क्या है, अगर किसी भी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं तो ये किसको किस में चेंज करेंगे, राइट। ओके सो आगे और फर्दर रिएजेंट्स अभी पड़े हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी, तो ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग।